कितने की भिंडी है रे? आज तक वो पुलिस वाला पैदा नहीं हुआ जो मुझे और मेरे बच्चों को यहां से ले जा सके। किसी ने भागने की कोशिश की तो लंगड़ा कर दूंगा। मानिक ईरानी, जी हाँ यही नाम था इनका, लेकिन इनके असली नाम से इतर लोग इन्हें बिल्ला के नाम से ज्यादा जानते थे। हाँ मैं, तुम दोनों को ढूंढते ढूंढते पहुंच ही गया ना तुम्हारे ठिकाने तक। भले ही अपने बचपन में आपने इन्हें फिल्मों में खूब नोटिस किया हो, लेकिन अब इन्हें आप भी भूल चुके होंगे। अपनी बस्ती, अपने चमचे और चाकू चूरी के साथ। 70 और 80 के दशक में फिल्मों में इन्होंने बैड बॉय के किरदारों को खूब जिया, उस दौर के हर बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया, लेकिन आज ना तो इन्हें कोई स्टार याद करता है, ना कोई फैन याद करता है, और ना ही फिल्मी दुनिया से जुड़ा कोई और इंसान याद करता है। ठीक सुना था मैंने, तो चूटी के ऊपर निकल आए। किस्सा टीवी की आज की पेशकश 70 और 80 के दशक के उस बॉलीवुड विलेन को समर्पित है जिसकी धांसू पर्सनैलिटी से फिल्मों के हीरोज को भी जेलसी होने लगती थी, जिनका असली नाम मानिक ईरानी था, लेकिन ये बिल्ला के नाम से मशहूर थे। हाँ इंस्पेक्टर, मैं हूं मानिक भाई। 23 अक्टूबर सन 1953 को मुंबई में रहने वाले एक मिडिल क्लास पारसी परिवार में मानिक ईरानी का जन्म हुआ था। छोटी उम्र से ही मानिक ईरानी को कुश्ती बहुत पसंद थी, इसलिए एक्शन फिल्में भी उन्हें खूब पसंद आती थी। क्योंकि पढ़ाई लिखाई में इनका मन जरा भी नहीं लगता था, तो ये छोटी उम्र में ही मुंबई की स्ट्रीट बॉक्सिंग में हिस्सा लेने लगे। जल्द ही स्ट्रीट बॉक्सिंग में इनका खूब चर्चा भी हो गया। उस जमाने में मानिक ईरानी का सपना हुआ करता था कि उन्हें फिल्मों में स्टंटमैन बनना है। एक दिन मानिक का एक बॉक्सिंग मैच देखने आए शेट्टी, ये वही शेट्टी हैं जिन्हें आपने पुराने दौर की ढेरों फिल्मों में देखा होगा। आज के जमाने में एक्शन फिल्मों के नामी डायरेक्टर रोहित शेट्टी इन्हीं शेट्टी साहब के सुपुत्र हैं। शेट्टी साहब को मानिक ईरानी का बॉक्सिंग लड़ने का अंदाज बड़ा पसंद आया, क्योंकि शेट्टी साहब उस वक्त की फिल्म इंडस्ट्री के बहुत नामी स्टंट डायरेक्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने मानिक ईरानी को अपनी फाइटर्स की टीम से जुड़ने का ऑफर दिया। शेट्टी साहब ने मानिक से कहा कि तुम मेरे साथ रहकर फिल्मों में फाइटर का काम करोगे, लेकिन ध्यान रखना फिल्मों में फाइटिंग करना कई दफा काफी खतरनाक हो जाता है, इसलिए सोच समझकर ही कोई फैसला लेना। अब मानिक ईरानी तो अपनी असल जिंदगी में भी खतरों के खिलाड़ी ही थे, इसलिए बिना कोई देर किए उन्होंने शेट्टी साहब का वो ऑफर कबूल कर लिया। ये बात है, तो फिर देख तमाशा। जल्द ही मानिक ईरानी ने शेट्टी साहब के साथ काम करना भी शुरू कर दिया, और चूंकि मानिक की पर्सनैलिटी बड़ी जबरदस्त थी तो उन्हें फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स भी मिलने लगे। ये भी गया? ओए, तू आदमी या पत्थर का थैला? 70 के दशक में जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक्शन फिल्मों पर ज्यादा फोकस किया जाने लगा तो ये मानिक ईरानी जैसे कलाकारों के लिए एक बढ़िया बात साबित हुई, क्योंकि इस दौर में अमिताभ बच्चन नाम का एक नया सितारा बॉलीवुड को मिल चुका था जो एंग्री यंग मैन के तौर पर मशहूर भी हो चुका था, तो एक्शन फिल्मों में लोगों की दिलचस्पी बढ़ने लगी। लोगों की दिलचस्पी को देखते हुए फिल्म मेकर्स ने भी ज्यादा से ज्यादा एक्शन फिल्में बनानी शुरू कर दी, और ज्यादातर बड़ी एक्शन फिल्मों के हीरो अमिताभ बच्चन ही हुआ करते थे। ऐसे में मानिक ईरानी को भी फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा महत्व तो मिलने लगा। मानिक कदकाठी में अमिताभ बच्चन जैसे ही थे, सो मानिक को ही अमिताभ के बॉडी डबल की हैसियत से फिल्मों में लिया जाने लगा। इस तरह मानिक के पास काम की कोई कमी ना रही। कम ही लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म डॉन में उनके बॉडी डबल बनकर सारे स्टंट्स मानिक ईरानी ने ही किए थे। मानिक ने अमिताभ जैसे कपड़े पहने और हर एक्शन सीक्वेंस को बखूबी शूट किया। डॉन सुपरहिट रही थी। अमिताभ बच्चन इस फिल्म की रिलीज के बाद लोकप्रियता के चरम पर पहुंच गए थे। हर किसी ने अमिताभ की तारीफ की थी। फिल्म क्रिटिक्स ने भी अमिताभ की शान में खूब कसीदे पढ़े, लेकिन किसी ने एक जगह भी मानिक की तारीफ में एक शब्द नहीं कहा।
ना ही मानिक को किसी भी तरह का कोई क्रेडिट फिल्म में मिला। तो जैकी ही मरेगा। मानिक ईरानी के बारे में एक खास बात ये है कि यूं तो मानिक ईरानी ने अपनी लगभग हर फिल्म में बुरे आदमी का किरदार निभाया था, लेकिन एक फिल्म ऐसी भी थी जिसमें ये कोई बुरा इंसान नहीं बल्कि एक आम पुलिस वाले बने थे। साल 1981 में रिलीज हुई मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म आमने सामने में ये एक हवलदार बने थे जो मिथुन के हाथों मारा जाता है। इस बात को भी शायद ही कोई जानता होगा कि रामसे ब्रदर्स की सुपरहिट हॉरर फिल्म पुरानी हवेली में मानिक ईरानी ने एक हैवान का किरदार निभाया था, और यकीनन उस किरदार में मानिक ईरानी को देखकर हर कोई हैरान और खौफ ज्यादा हो गया था। इस रोल के बाद तो मानिक का खौफ बच्चों में इतना ज्यादा हो गया था कि जब मानिक अपनी आम जिंदगी में किसी सड़क से गुजरते थे तो बच्चे डर के मारे छिप जाया करते थे। तुम हमारे लफड़े मत आओ। मानिक ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 100 फिल्मों में काम किया था। अक्सर फिल्मों में इनके रोल इतने छोटे होते थे कि ये एक साल में लगभग 10 फिल्मों में काम करते थे। इनकी सबसे प्रमुख फिल्म है हीरो, जिसमें इन्होंने बिल्ला का किरदार निभाया था, और दरअसल वही किरदार इनका सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला किरदार था। इस किरदार के बाद ही ये बिल्ला के नाम से पूरे भारत में मशहूर हो गए थे। बाद में 1987 में रिलीज हुई सड़क छाप और 1991 में रिलीज हुई प्रतिकार में भी इनके कैरेक्टर का नाम बिल्ला ही था। दरअसल सुभाष घई मानिक के साथ कालीचरण में काम कर चुके थे और तभी से वो मानिक को पसंद करते थे। हीरो फिल्म की कास्टिंग के दौरान बिल्ला के कैरेक्टर के लिए सुभाष घई को मानिक से अच्छा कोई दूसरा कलाकार नहीं लगा। जैकी दादा, आशिक की जगह जमीन पे नहीं। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से मानिक ने फिल्म इंडस्ट्री में काफी तरक्की कर ली थी। छोटे छोटे निगेटिव रोल्स करके ही मानिक ने अपना वो मुकाम फिल्म इंडस्ट्री में बना लिया था कि हर बड़ी एक्शन फिल्मों में इनके एक या दो सीन्स होते ही थे। मानिक ने पैसा भी खूब कमा लिया। पैसा आया तो बुरी आदतें भी आ गई। मानिक बहुत ज्यादा शराब पीने लगे, इतनी ज्यादा कि हर वक्त नशे में डूबे रहते। कई दफा मानिक शराब के नशे में ही जिम में एक्सरसाइज करने पहुंच जाते थे, और यही आदत मानिक को बहुत भारी पड़ गई। उनकी तबीयत खराब रहने लगी। तबीयत खराब हुई तो शूटिंग्स पर जाना भी उनके लिए मुश्किल हो गया। धीरे धीरे मानिक को काम मिलना बंद हो गया। काम की कमी हुई तो पैसा भी खत्म होने लगा। मानिक की मनोदशा और ज्यादा खराब होने लगी। वो डिप्रेशन में आ गए। उन्होंने और ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया। हद से ज्यादा शराब पीने की वजह से उनका लीवर दिन ब दिन खराब होता चला गया। कहा जाता है कि जब काम मिलना काफी कम हो गया तो एक दफा ये सुनील शेट्टी के पास काम मांगने गए थे, लेकिन सुनील शेट्टी ने इन्हें काम देने की बजाय सलाह दी कि तुम फिल्मों में स्टंट डायरेक्टर का काम शुरू करो। सुनील शेट्टी की इस सलाह को मानिक ईरानी ने माना भी था, और कुछ बी ग्रेड फिल्मों में उन्होंने बतौर स्टंट डायरेक्टर काम भी किया था, लेकिन इससे उनका कुछ भला नहीं हुआ था। उस दिन तुम लोगों ने मेरा 5 लाख का नुकसान कराया, आज बदले में मैंने 5 मन सान का दूध ना पिलाया। जिंदगी के आखिरी दिनों में मानिक ईरानी को भयंकर पीलिया हो गया था, और लोग कहते हैं कि उन्होंने पीलिया में भी शराब पीना नहीं छोड़ा। और आखिरकार साल 1991 की 16 जून को महज 38 साल की उम्र में मानिक ईरानी की मौत हो गई। एक वक्त पर फिल्मों का नामी चेहरा रहे मानिक ईरानी खामोशी से और गुमनामी में ये दुनिया छोड़ गए। पीछे रह गए मानिक ईरानी की पत्नी और उनका बेटा शनूर ईरानी। मानिक का बेटा शनूर ईरानी भी एक्टर था। शनूर ने कुछ फिल्मों में काम किया था। गोविंदा और रानी मुखर्जी की फिल्म हद कर दी आपने में शनूर ने एक निग्रो आदमी का कैरेक्टर प्ले किया था, लेकिन पता चला है कि शनूर ईरानी की भी कुछ वक्त पहले मौत हो गई है। हालांकि ये जानकारी हमें नहीं मिल सकी कि शनूर ईरानी की मौत की वजह क्या थी, वरना पहचान जाता और हाथ पकड़ने की गलती नहीं करता। भले ही मानिक ईरानी कोई बड़े स्टार ना रहे हों, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने अपना इतना मुकाम तो बना ही लिया था
कि किसी फिल्म में उन्हें देखकर लोग काफ़ी उत्साहित हो जाते थे। और इस बात पर भी हमें गौर करना चाहिए कि मानिक ईरानी ने जिस तरह खुद का करियर और जिंदगी तबाह की, वैसे कभी कोई और ना करे, ना कोई कलाकार और ना ही कोई आम इंसान। आज फिल्मी दुनिया में मानिक ईरानी को शायद ही कोई याद करता होगा, लेकिन किस्सा टीवी मानिक ईरानी को याद करता है, ससम्मान याद करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मानिक ईरानी को ईश्वर अपने सद चरणों में जगह दें। जय हिंद।